गुड मॉर्निंग गाइस, आज मेरी मॉर्निंग बहुत ज़्यादा लेट हो रही है, मतलब 12 बजने वाले, जस्ट अभी फ्री हुई सारे काम कुम करके। और मैं सोच रात को ना मैं ब्लॉग कंटिन्यू करने वाली थी, पर लाइट ही चली गई थी, काफ़ी देर तक लाइट नहीं आई और मेरा फ़ोन स्विच ऑफ हो गया था, क्योंकि मेरे को एक वीडियो भी थी ना एडिट करने के लिए, तो मैं वो करी थी, तो क्योंकि मेरा फ़ोन बंद हो गया था, तो कल रात का कुछ शूट नहीं किया, बस कुछ था नहीं स्पेशल, डिनर किया बस, हो गए। और मतलब अभी उठी भी, थोड़े से कपड़े थे धोने के लिए वो धोए, तो जस्ट अभी फ्री हुई, मतलब अभी लंच बनाना है। ठीक है, कल शाम को थोड़ा सा ऐसा मौसम हो गया था साफ सा ना, ऐसा लग रहा था कि अब तो मौसम साफ़ हो जाएगी, कल को तो साफ ही होगा, पर स्टिल सी अभी फिर से वैसी ही बारिश हो रही है, लगातार बारिश हो रही है। गाइस मैं आपको सामने से दिखाती हूँ मौसम, तो दिख रही होगी ना बारिश। बेचारी कुर्सियाँ भी नहीं उठाई हमने यार, कब से भीग रही है। तो अभी मैं करी थी लंच की तैयारी, आज लंच में बनने वाले थे राजमा चावल, तो राजमा तो डाल दिए थे सुबह के, तो पक्के हो गए थे, बस अभी उसको ना तड़का लगाना रहा था, तो ये मैं साथ में लहसुन को कूट रही हूँ ना, रात को हमने ऐसे छील के रख दिए थे, थोड़ी आसानी होती है, नहीं तो सुबह बहुत ज़्यादा वो लगता है काम लहसुन छिलने का, तो बस ऐसे छील के एयर डब्बे में रख लो, तो आप भी ऐसे कर सकते हो। बस तो लग गया था ये हमारा तड़का, बस तो सबने लंच किया, फिर हम बाहर बैठे थे आज ना लंच में, शगु तनु और बाबी भी आए थे, तो शगु तनु खेल रहे थे नन्नू के साथ, तो बाबी और मैं बाहर बैठे थे, तो अभी देखो बारिश रुक गई है, तो काफ़ी अच्छा मौसम था इस वक्त यहाँ पे। और ये मेरा नन्नू अभी बस अपने बाल कटवा के आए, था कितना अच्छा लग रहा है ना ये हेयर कट इस पर। और आज हम डिनर पे बनाने वाले थे सिड्डू, जिसकी तैयारी हमने दिन को ही करके रख दी थी, आज बाबी भी थी ना, तो सोचे थे डिनर यहीं से करके जाना, तो आटा उटा हमने गूंध लिया था और सिज किया था आराम से, तो बस हमने रख दिए थे सिड्डू बनाने के लिए। तो बस डिनर करके हम आ गए थे अपने रूम पे और देखने लगे थे मूवी, और नन्नू और शगु भी आज बोलते कि हम यहीं सोएंगे, तो उन दोनों को मैंने ना सोफ़ा कम बेड था वो खोल के नीचे बिछा दिया, तो आराम से नीचे बैठ के मूवी देख रहे थे। गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम अगेन टू माई ब्लॉग। तो टाइम हो रहे हैं अभी 11 बज रहे हैं, तो जस्ट अभी मैं नहा के अभी जाके फ्री हुई, और बाल बहुत चिपक हो गए थे इसलिए मैंने बाल भी धो दिए ना, मतलब मेरे बाल इतने जल्दी चिपक हो जाते हैं, मुझे हर मतलब हर दूसरे दिन अपने बाल धोने पड़ते हैं, मेरे स्कैल्प जो है ना बहुत ही ज़्यादा ऑयली है, तो जस्ट मैं भी नहा के आई। अब मौसम देख रहे हो ना, मतलब इतना साफ नहीं है पर बारिश नहीं हो रही है, तो हमने डिसाइड किया कि कहीं चलते हैं, घूम के आते हैं, मतलब ऊपर जाएंगे, मम्मी की शॉप है, वहाँ दीदी का रूम भी है, तो शायद दीदी के पास तक जाके आएंगे, और शाम को शग्गू भी आई थी तो उसको भी मम्मी पापा के पास जाना है, तो बस अब मैं सूट तो मैंने पहन लिया, जस्ट मुझे अभी तैयार होना है, तो मैं तैयार होकर आती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे ना। अब कैसे लग रहा है, बीच सीट चेंज, जैसे मैंने फ़ोन ना ये जो पेड़ पे जो हमने गमला लटकाया ना उसकी वायर है वो आपको दिख रही है, तो मैं स्टैंड लेके कहाँ घूम। तो गाइज मैं हो गई हूँ तैयार, ये मेरा सफ़ा का सूट था ना, मैंने आपको लास्ट टाइम हॉल में दिखाया था कि जब सिल के आएगा तो मैं आपको दिखाऊंगी, तो ये मेरा सूट सिल के आ गया, बहुत सुंदर लग रहा है ये सिला हुआ, तो ये मैं पहन रही हूँ, और मैं आपको पूरा मतलब कहीं और से दिखाती हूँ, यहाँ से दिख नहीं रहा है पूरा ये नन्नू। चलो बोलो, तैयार हो रहा है, बोले वहां रुकना आज। हाँ आज नन्नू ने शग्गू के साथ रुकने वाला है, पता लगेगा कि रुकेगा कि नहीं, ये कभी रुका नहीं अकेले, पर अभी रुकना चाहता, हाँ यहीं से जाना है। और इसकी याद लाना हुए? किसकी? इसकी पेमेंट करनी है, इसकी फाइबर की। अच्छा ठीक है, कहाँ रुकने वाला है आज? तो किसके? ताऊ। मम्मी के बिना रह लेगा? हाँ, मेरे को विश्वास थी। वादा कर ले, वादा। अगर रात को तू रोया कि मम्मी मुझे लेने आओ, फिर हम नहीं आएंगे, कोई भी तेरे को छोड़ेगा नहीं। सुबह तो आ जाओगे ना कल? सुबह तो आ जाऊंगी, पहले रात की बात बता। सहलेगा? सहना क्या है? सहना क्या है वैसे? ना, कुछ भी नहीं। वैसे तू मेरे साथ भी आ सकता है? नहीं नहीं नहीं। क्यों? मैं अच्छा ठीक, पर फिर झूठ। मेरे साथ बहुत बारी रह चुका है तू, अकेले कभी नहीं रह। अकेले कभी नहीं रह। गाइस हम यहाँ वेट कर रहे हैं ना, यहाँ मतलब इन्होंने गाड़ी लगाई है यहाँ ऊपर, यहाँ से आगे गाड़ी में इतना हम पैदल नहीं चल सकते, इसलिए हम वेट कर रहे हैं यहाँ पे पापा का। नन्नू मैं पापा की क्या हूँ? जो तूने थोड़ी देर पहले बताया बोला था, वो गर्लफ्रेंड हुआ है ना।
ठीक है। तो भैया भाभी के रूम को ना यहीं से जाते हैं हॉस्पिटल से होके, बस तो नन्हू जा रहा था अपने पापा के साथ। तो मैं नन्नू को छोड़ के आ गई थी भैया भाभी के रूम पे, तो वहाँ खेल रहा था वो शगू तन्नू के साथ। मना कर रहा था कि मैं नहीं जाऊँगा, तो मेरे को जाना था दीदी के पास, दीदी से मिलना था। तो मैं आई थी दीदी के रूम पे, तो वो देखो वहाँ से बाहर का व्यू मैं आपको दिखा रही थी। देखो कितना सुंदर व्यू है यहाँ से, पूरा रिकांगपियो दिखता है यहाँ से, और वहाँ हमारे घर से कुछ नहीं, सामने बस वो पहाड़ी दिखती है ना। ठीक, कितना अच्छा व्यू है यहाँ से, ऐसा शिमला वाली फील देता है ना यहाँ से पूरा। तो गैस आपने देखा ना कि काफ़ी अंधेरा हो गया, बस हम दीदी के घर से वापस आए थे, 8 बज गए थे जब घर पहुंचे, तो बस सीधा ही मैंने डिनर किया, आ गए हम ऊपर। और नन्नू रुक गया गैस, उसने सही कहा था कि वो शगु तन्नू के साथ रुकेगा, तो वो वहीं है भैया भाभी के पास। और फिर मुझे बड़ा अजीब लग रहा है, बिना नन्नू के कभी रही नहीं ना, आज पहली बार है कि उसके बिना रहना पड़ रहा है। चल ठीक है, मैं उसको सुबह ही लेने चले जाऊँगी गैस। तो टाइम हो गए हैं अभी 8:30, डिनर हमने कर लिया है, तो कुछ मूवी वावी देखते हैं, सोते हैं, और कल सुबह नन्नू को लेने चलेंगे। फिर मैं आपसे मिलती हूँ। गुड मॉर्निंग गाइस, जैसे आपको पता है मेरी मॉर्निंग होती है चाय के साथ। तो जैसे ही मैं उठी, मैं नीचे गई, चाय बनाई 2 कप, बाकी सब पी बैठते, मैं थोड़ी सी लेट उठी ना, तो नन्नू के पापा और मेरे लिए। तो गाइस चलती हूँ, पहले इनको चाय देते हैं। तो गाइस हमेशा की तरह मैं नहा के आ गई हूँ बाल कंघी करने के लिए। आज मैंने अपने बाल नहीं धोए क्योंकि कल मैंने धोए थे ना, मेरे को बताया था, तो मतलब आज एक दिन चलते हैं, कल मुझे फिर से अपने बाल धोने पड़ेंगे। और अब बाहर का मौसम देखिए, इतना अच्छा मौसम हुआ है, मतलब आज धूप आई है ना, इतने टाइम के सारे कपड़े सूख गए, सब कुछ इतना अच्छा सा लग रहा है। तो कहीं घूमने भी जा सकते हैं, घूमने मतलब कहीं दूर नहीं है, आस पास गलपा तक ही। और कहीं जाना तो मतलब अभी बहुत रिस्क है गाइस, आप भी कहीं नहीं जाना, इतना अच्छा मौसम है, और फ़ोन मैंने वहीं लटकाया है, तो बस करते हैं फिर ऊपर जाती हूँ गाइस ना। कभी खाना बनाने को टाइम है, 11 बज रहे हैं, 12:30 बजे बनाऊंगी। मैंने अपने बाल बांध दिए, मैं बाल खुले रखती हूँ ना, तो इनकी मेरे सारे बाल यूं खींच लेती है, तो मैं अपने बाल बांध देती हूँ। तो चलते हैं ऊपर, कहाँ बैठे हैं हॉल में, ये नीचे मतलब सोफा कम बेड है ना, उसको खोला, और यहाँ पे इतनी सही धूप आ रही ना, मैं बता नहीं सकती, बहुत ही ज़्यादा, मतलब अब तो गर्मी लगने लगी। मैं सोचती फैन चलाती हूँ, तो फिर अब लाइट चली गई है, ठीक है, तो मैं नीचे से लेके आई थी ट्यूब, यहाँ बैठ के पीते हैं। वैसे भी नन्नू के पापा भी आएंगे, फिर हम पियेंगे ट्यूब। ये बनाएंगे अब 2 ग्लास ड्यू के पानी है। अरे सच्ची पानी तो नहीं है क्या? जग भी नहीं है, पानी है पानी है फ्रिज से ना आई पानी है ठीक है। जब मैं कोक लेके आई हूँ, ये पानी नहीं है, इसकी सील भी लगी है। तो गाइस अभी मैं आई हूँ नीचे लंच बनाने के लिए, तड़का लगा रही थी ना, कौन सी दाल होती है, दले चने की दाल, तो इसको मम्मी सुबह डाल के देना, तो पक गए हैं ये। मिंकी मिंकी, हेलो हेलो मिंकी मिंकी। तो ये है उसके नेक्स्ट डे का क्लिप। हम सुबह ही आ गए थे नन्नू को लेने के लिए, मम्मी पापा के साथ ड्यूटी टाइम पे आ गए थे, तो हमने ब्रेकफास्ट नहीं किया था, तब भूख भी नहीं लगी थी, बस फिर यहाँ आए, तो हम ये हॉस्पिटल मोड़ पे होटल है ना, संगम होटल, वहाँ आए थे ब्रेकफास्ट करने के लिए। और मैंने आपको होटल से बाहर का व्यू दिखाया था, कितना अच्छा दिख रहा है यहाँ से पूरा रिकांगपियो। और आज तो इतनी अच्छी धूप लगी थी ना, हमने ऑर्डर किया था अपने लिए आलू के पराठे, और मैंने ऑर्डर किया था साथ में चाय, और इन्होंने दही। फिर वह जल्दी से हमने अपना ब्रेकफास्ट किया और फिर चले गए थे नन्नू को लेने। तो ये व्यू है बाबी के रूम के बाहर का। तो बारिश हो रही थी, धूप आ रही थी, तो देखो एकदम से रेनबो निकला, एक नहीं दो दो रेनबो, तो हमने इसे जल्दी से कैप्चर किया। और बस फिर हम नन्नू को लेके गए थे मार्केट तक, नन्नू ना अपने लिए वहाँ मार्केट से लेके आया सुपर गन, काफ़ी टाइम से बोल रहा था, तो बस ये इसका अच्छा बट टाइम पास है, इनको नोट को गिराता है, इकट्ठे करता है, और बस ये खेलता रहता है।
और ये जो क्लिप है ना, ये काफ़ी टाइम बाद की क्लिप है ना, मेरी एनिवर्सरी थी तो मेरा ना सेलिब्रेट करने का मन नहीं था, क्योंकि नन्नू के पापा तो चले गए थे वापस सुंदरनगर, तो पर उन्होंने मेरे लिए केक ऑर्डर किया था, सरप्राइज़ केक भैया भाभी से लेके आए थे। तो ये है मेरा एनिवर्सरी केक। मेरी शादी को हो गए हैं पूरे 8 साल हो गए हैं, पता ही नहीं लगता गाइस। ऐसे मैं सुंदरनगर में होती ना तो अच्छे से सेलिब्रेट करते, साथ में होते, तो ऐसे अकेले अकेले क्या सेलिब्रेट करना था। पर इन्होंने केक भेजा था तो बस नन्नू, मैंने, मिंकी ने मिलके ये केक को काटा और सब ने खाया। डिनर तो पहले से बन रखा था, बस हमने डिनर किया और फिर बस। तो इस ब्लॉग को ना इतना ही रखते, नहीं तो काफ़ी लंबा हो जाता है। तो मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना गाइज़।